गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स सो टूडे वी विल डू द नेक्स्ट लेसन ऑफ इंग्लिश ग्रामर क्लास थर्ड प्रिपोजिशंस ओके सो लेट्स स्टार्ट लुक एट द फॉलोइंग एंड नोट द हाईलाइटेड वर्ड्स सबसे पहले हमें क्या करना है यहाँ पे जो पिक्चर्स के साथ हमें हाईलाइटेड वर्ड्स दिए गए हैं वी हैव टू कंसनट्रेट ऑन दैट ओके सो फर्स्ट पिक्चर इज़ इन टू द बॉक्स इट मीन्स वॉट कि बॉक्स के अंदर की बात कही जा रही है दैट इन टू बॉक्स के अंदर आउट ऑफ द बॉक्स मतलब बॉक्स के बाहर अराउंड द बॉक्स बॉक्स के इर्द गिर्द अवे फ्रॉम द बॉक्स बॉक्स से दूर टुअर्ड्स द बॉक्स बॉक्स की ओर पास्ट द बॉक्स बॉक्स के पार ऑन टू द बॉक्स बॉक्स के ऊपर ऑफ द बॉक्स बॉक्स से नीचे एंड ओवर द बॉक्स बॉक्स के ऊपर से अंडर द वॉल वॉल के नीचे थ्रू द पाइप पाइप की तरफ से पाइप के अंदर से एक ब्रिज और ब्रिज को पार करना ठीक है तो हम क्या देखते हैं द हाईलाइटेड वर्ड्स शो द पोजिशन ऑफ वन नाउन इन रिलेशन टू अनदर तो हाईलाइटेड वर्ड्स जो हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि एक नाउन की पोजिशन क्या है रिलेशन दूसरे नाउन के रिलेशन में ठीक है अगर दो नाउन दिया गया है तो हमें यह देखना है कि एक की पोजिशन क्या है ठीक है सो दे आर कॉल्ड प्रिपोजिशंस तो ऐसे जो वर्ड होते हैं जो पोजिशन शो so करते हैं दोज आर कॉल्ड प्रिपोजिशंस यहाँ पर डेफिनेशन है आपको अ प्रिपोजिशन शोज आ रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स प्रिपोजिशन जो वर्ड है वो दो चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप बताता है लोकेशन बताता है जैसे ऑन अंडर इन एट टाइमिंग बताता है कि पहले हुआ क्या उसके बाद हुआ या उसके बीच में हो रहा है इन ऑन एट एंड डरेक्शन कि किधर से हुआ फ्रॉम टूआर्ड्स टू ओके सो नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज विथ एम्पेस ऑन द हाईलाइटेड वर्ड्स हमें यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं इन्हें हमें पढ़ना है और जो हाईलाइट वर्ड्स हैं उनमें उन, उन पर हमें इम्पेस करना है माई बर्थडे फॉल्स इन जनवरी बर्ड्स ऑफिन माइग्रेट इन स्प्रिंग एंड ऑटम आई विल मीट यू इन द इवनिंग The peon is at the door. The sun is over the head at noon. Sonu lives in Mumbai. John ran down the footpath. Rama is absent without leave. A tall man spoke to me. We walked along the river. The smith works with a hammer. The cat jumped off the chair. She is fond of music. I am sorry for you. So, in ईच ऑफ देंटेंसेज वी नोटिस दैट द हाईलाइट वर्ड इज़ प्लेसड बिफोर अनाउट जितने भी सेंटेंसेस दिए गए हैं ऊपर हम उसमें देखेंगे कि जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ना वो नाउन के पहले रखे गए हैं ठीक है बिफोर द बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो इन वॉट रिलेशन द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द नाउन स्टैंड टू समथिंग एल्स ये बताने के लिए कि जो नाउन है वो जो रिलेशन बता रहा है जो चीज़ है या जो जगह है नाउन से जो रिलेशन बताया जा रहा है उसका हमें ये पता चलता है एक्सरसाइज वन है इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रिपोजिशंस डो नॉट गो Across the river. I have 3 rupees in my pocket. The bird is on the tree. The parrot is in the cage. They went on the beach. They live in Varanasi. Who is waiting at the door? This hammer is made of iron. He came to Ahmedabad. The horse is in the stable. Put the box on your head. I saw him outside my house. Are you running behind the train? The thief jumped over the wall. It is cool to sit under the banyan tree. Jane saw a snake near his foot. Now let's come to exercise 2. Look at the picture and fill in the blanks with the prepositions in the given lists. And now we have to do this. Fill in the blanks. Okay. So let's start. The basket is under the chair. The chair is between the door and the piano. The plate and the bottle are in the cupboard. The socks and the shoes are behind the door. The clock is on the piano. The cups are on the table. The chair is in front of the cupboard. The piano is beside the cupboard. The bottle is over the TV. Over the TV, okay. Now let's come to the exercise 3 fill in the blanks with suitable. प्रिपोजिशंस यहाँ पर भी हमें सुटेबल प्रिपोजिशंस यूज करते हुए फिर इन द ब्लैक्स करना है द प्रोग्राम इज ऑन चैनल ट्वेल्व देर आर टू कैंडल्स ऑन द केक द सिनेमा हॉल इज बिसाइड द चर्च देयर इज अ माउस अंडर द चेयर आई विल राइट अ लेटर टू माई अंकिल दे केम इन अ कार आई साओ हिम एंड द पार्टी देयर आर एग्स इन द बास्ट ही लिप्स ऑन द सेकेंड फ्लोर राम्या इज बिहाइंड उमा एंड मैरी ओके आप इसमें बिहाइंड और बिटवीन uh, कुछ भी लिख सकते हैं वो दोनों प्रिपोजिशन सही होगा ठीक है तो ये आपको एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है एक्सरसाइज वन टू एंड थ्री यू हैव टू नोट ऑल द वर्ड्स इन योर बुक ओके यू हैव टू कंप्लीट ऑल द एक्सरसाइजेस इन योर बुक एंड यू मस्ट हैव टू राइट है डेफिनेशन इन योर कॉपी एंड यू हैव टू रिमेंबर इट ऑल्सो एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द एक्सरसाइजेस ऑफ नेक्स्ट लेसन लेवेंटी So till then, bye-bye.